हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न अबाउट फार्मेसी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हिचकप्स यानी हिचकी के बारे में। आज हम बात करेंगे हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है, यानी कि जब कभी अचानक से एब्डोमिनल में डायफ्राम की मसल्स इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आने लगती है। तो फ्रेंड्स, कब हिचकियाँ 2-4 बार आने के बाद अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन कभी कभी है 2-4 घंटे या इससे अधिक लंबे समय के लिए भी हिचकी आती रहती है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। जानेंगे हिचकी के कारणों के बारे में। हिचकी के कई कारण हैं, जैसे कि एल्कोहलिज्म यानी कोई बहुत अत्यधिक शराब पीता है, या इसके अलावा स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, ओवर डाइट, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, जल्दी जल्दी खाना खाता है, या किसी पेशेंट को स्पाइसी फूड ज़्यादा खाता है, यानी किसी पेशेंट को स्पाइसी फूड खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, उस पेशेंट को हिचकी आती है, या किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी वजह से भी हिचकी आती रहती है, या किसी को ट्यूमर या इन्फेक्शन है, इसके अलावा कोई लंबे समय से कोई दवाई खा रहा है तो उसको हिचकी आ सकती है। यही थे हिचकी आने के कारण। सामान्य तौर पर हिचकियाँ अपने आप ही बंद हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये कुछ ज़्यादा समय के लिए रहती है, 2-4 घंटे के लिए रहती है। तो उस कंडीशन में ठंडा पानी पी सकते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा 5 सेकंड के लिए मुंह में रखकर उसको खा सकते हैं, या फिर इसके अलावा शुगर को मुंह में 5 सेकंड रखकर उसके ऊपर ठंडा पानी पी सकते हैं, जिससे कि वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और हिचकियाँ बंद हो जाती है। यदि इसके बाद भी हिचकियाँ बंद नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती है, जो कि हिचकी के लिए बेस्ट मेडिसिन है, वो है बैक्लोफेन 10 mg की टैबलेट, जो सुबह शाम लेनी होती है, जिसे लेने के बाद हिचकियाँ काफ़ी हद तक बंद हो जाती है। लेकिन अगर इसके साथ भी इसके बाद भी अगर हिचकियाँ बंद नहीं होती है तो उसके साथ हम म्यूशियन जेल 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं। और यदि इन दवाइयों को लेने के बाद भी हिचकियाँ बंद नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम इंजेक्शन मेगाटिल क्लोरप्रोमाजाइन 50 mg का इंजेक्शन IM लगा सकते हैं पेशेंट को, और इसके अलावा डोल्टावेरिन का इंजेक्शन IM लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम टैबलेट क्लोरप्रोमाजाइन की टैबलेट सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।